मेरा एक सवाल है, क्या पाकिस्तान को ऐसी टीम के साथ मैचेस खेलने चाहिए? नहीं ना ट्रेंट बोल्ट, ना डेविन कॉम्बे, ना मैट हेनरी, ना कीन विलियमसन, ना रचिन रविंद्र, ना डेरेक मिचेल, ना मिचेल सैंटनर, इसी के साथ ना विल जंग्स है, ना इसी के साथ लोकी फर्ग्यूसन है, ग्लेन फिलिप्स भी नहीं है, विल जंग्स भी नहीं है, टीम साउथी भी नहीं है, कोलिन मुनरो भी नहीं है, और टीम लेंथम भी नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हो रही है 14 अप्रैल से। अब आईपीएल के अंदर ये सीरीज आ रही है और सबको पता है कि न्यूजीलैंड अपनी सी टीम भेज रहा है पाकिस्तान में। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में जो अप्रैल में सीरीज होगी उधर न्यूजीलैंड अपनी सी टीम भेज रहा है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट को छनकना फायदा हो रहा है। डैरेन मिचेल, मिचेल सार्टनर, केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, ट्रेंट बोल्ट, ग्लेन फिलिप्स, लॉकी फर्ग्यूसन, ये कोई भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। पहला मैच 18 अप्रैल से। हाँ, और कराची में मैच नहीं रखी यार, सही किया मेरे ख्याल में। पाकिस्तान के सारे प्लेयर तो कराची में ना रखे, सही किया। नहीं, मैच देखने सुनो, पाको पे पिंडी लाहौर, पाकिस्तान की पूरी टीम खेलेगी ऑफ कोर्स। अब मुझे नहीं पता, बताए। और इस टीम के नाम में आपको सुनाऊंगा ना, आप ए और बी को भी भूल जाएंगे, सी टीम को भी शायद आप भूल जाएं। आप बोलेंगे यार ये डी टीम भेजी है न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान की। ये जो छतकने हैं ना, अगर ये जो तापने हैं उनको मैं एक बात बता दूं, अब आपको पता चला है, मेरी बात सुनो। 2022 में जब ऑस्ट्रेलिया आई थी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट बॉल सीरीज अपनी पूरी पूरी व्हाइट बॉल सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की, उधर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सी टीम भेजी थी, मेन टीम उनकी सारी आईपीएल खेलने चली गई थी। उसका एक मैच मैं भी लाहौर में देखने गया था, उधर बाबर ने 100 बनाया था, वो क्लब के बालर को मार मुड़ के ना मेरे घंटे में 100 भी बनाया था, ठीक है। दूसरा, जब इंग्लैंड की टीम आई थी उनका भी एक आधा प्लेयर मिस था। जब न्यूजीलैंड की टीम फिर 2022 के एंड में और 2023 में आई थी, उस 2023 में जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी, जिसमें न्यूजीलैंड ने 5 T20 और 5 ODIs खेले थे, वो 10 के 10 मैच न्यूजीलैंड की सी टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे। और पाकिस्तान में बाबर बुबर ने 100 बना के बड़ा तपा तपाई चढ़ी थी, फिर ये वनडे में नंबर वन आए थे, और वनडे में जब न्यूजीलैंड की सी टीम को हरा के वनडे में नंबर वन है, जब एशिया कप में जाके विराट कोहली ने इनका घंटा बजा दिया था पकड़ के, ये तब की बात कर रहा हूं। मुझे बात बताएं, ये इतने सारे प्लेयर नहीं आ रहे तो सीरीज की क्या वैल्यू है? और दूसरा, हमने वर्ल्ड कप में इसमें से क्या जो है ना वो बटेरे निकालने फिर इसमें से, मैं मतलब तफरी में बोल रहा हूँ ये बात, हमें क्या उखाड़ लेंगे सीरीज से जब वो टीम ही बी लेवल क्या हो गया, हमारे लोग पागल हो जाते हैं, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीत देंगे, पागल हो जाते हैं। ये इफ्तिखार चित्रकार, ये जो सोशल मीडिया के प्लेयर हैं, तो वैसे ही सोच के लगा लगा के थक जाएगा, हम पता नहीं रिकी पॉन्टिंग कौन है यार, आप कुछ प्लेयर रिकी पॉन्टिंग क्या प्लेयर हैं यार, सोचिए अगर आप तनवीर अहमद और सर और आजम खान बैठ के आपके खिलाफ बात कर रहे हो, करने तो मेरे खिलाफ बहुत लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो अब हम ये सोच रहे थे कि चले जो कुछ मेन खिलाड़ी जो आईपीएल खेल रहे हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन उनको छोड़ के कुछ 2-3 खिलाड़ी जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो तो आएंगे यार, जिनमें जो टीम साउथी मौजूद थे, हमने सोचा वो कप्तानी करेंगे, उन्होंने जो पर्सनल रीजन कह के वो जो है वो छोड़ दिया कि मैंने ये सीरीज खेलनी नहीं है। फिर अगर देखा जाए तो टॉम लेथम का भी लग रहा था ये भी आएंगे, उसने भी इनकार कर दिया कि भाई मैंने भी जाना नहीं है, उसने भी पर्सनल रीजंस को सामने रखा। और कॉलिन मनरो, अब ये बंदा इसको टीम में मौका ही नहीं देते हैं कभी, इस बार इसके चांसेस थे कि यार मेन खिलाड़ी नहीं है, इसको पाकिस्तान में भेज देते, पाकिस्तान में खेलता भी है बड़ा अच्छा है पीएसएल में, लेकिन इसने भी बोला कि यार मैं अवेलेबल नहीं हूं सिलेक्शन के लिए। और मनरो भी जो है पाकिस्तान में नहीं आ रही, यानी कि ये 2-3 ऐसे खिलाड़ी जो बैकअप पे होते हैं यार, जब कोई नहीं होता तो इनको मौका मिलता है, और ये भी जो है वो कह रहे हैं कि हमने खेलना ही नहीं। हालांकि लेथम जो और टीम साउथी जो है वो मेन खिलाड़ी है, उन्होंने भी जो पर्सनल रीजंस बता दिए। बस भी जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, जो न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई है, एज एक्सपेक्टेड इट्स अ डिप्लीटेड स्क्वाड, इसलिए स्क्वाड क्योंकि 9 से 10 प्लेयर अवेलेबल नहीं है टॉप के प्लेयर, जिसमें केन विलियमसन हो गया या आपका डैरेन मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, लोगी फर्ग्यूसन, सैटनर, मैट हेनरी, रचिन रविंद्र, डेविन कनवाय, ट्रेंट बोल्ट वगैरह, साउथी भी नहीं है वो, इवन यहाँ तक कि वो कैसे बोलते हैं लेथम, टॉम लेथम भी नहीं है, वो भी किसी पर्सनल वजह से नहीं आ रहा पाकिस्तान पर। हेनरी निकल जिसने के सब लीडिंग स्कोरर रहा है न्यूजीलैंड में वो T20 उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, वो भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि उसका लिखा हुआ है इन्होंने जो आज स्क्वाड रिलीज की है न्यूजीलैंड है उसमें उन्होंने उसका मतलब पहले दिया था लेकिन बाद में उसको नहीं लिया इन्होंने, और अब टिम रॉबिन्सन को लिया उसकी जगह। बहरहाल जो स्क्वाड आ रहा है जिसमें उन्होंने माइकल ने उसको कैसे बोलते हैं वो बनाया है ब्रेसवेल को कप्तान बनाया, इसमें बैड स्क्वाड एक्चुअली ऐसा स्क्वाड है कि दे वोंट बी, आई एम श्योर दे वोंट बी पुश ओवर्स, क्योंकि T20 क्रिकेट में तो यार इतना आपको मतलब अगर दो टीमें थी, एक टीम अगर थोड़ी सी कमजोर भी हो तो वो मैनेज कर सकती है, इट्स नॉट वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट। तो ये वो टीम है जो न्यूजीलैंड ने अपने सारे प्लेयर्स को निकाल कर पाकिस्तान भेजने जा रहे हैं, ये सारे के सारे आईपीएल खेल रहे हैं या कहीं और बिजी हैं, लेकिन पाकिस्तान में सीरीज खेलने नहीं आ रहे। अब हम तो इन्हीं प्लेयर्स को जानते हैं न्यूजीलैंड के, लेकिन अब सवाल ये आता है आप कौन रहे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। माइकल ब्रेसवेल जो कि कैप्टन होंगे, जो कि T20 टीम का पार्ट नहीं थे लेकिन उनको शामिल करके उनको कैप्टन बना दिया गया। फिन एलन सार्ट होंगे, जो एक बंदे को हम जानते हैं पाकिस्तान को भी बड़ा मारा था पिछले सीरीज के अंदर। मार्क चैपमैन जो कि पिछले साल के हीरो थे, इसी के साथ जॉश क्लार्कसन मैं नहीं जानता इस बंदे को, जैकब डफी मैं नहीं जानता इस बंदे को, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट मैं नहीं जानता इस बंदे को, बेन लिस्टर मैं
मैं नहीं जानता इस बंदे को, कोल मिकोकी इसको मैं नहीं जानता, इसी के साथ साथ एडम मिलने इसको जानते हैं, जिमी निशम इसको जानते हैं, विल ओडोकी इसको भी नहीं जानते, टिम रॉबिन्सन इसको भी नहीं जानते, बेन सियर्स इसको भी नहीं जानते, टिम सर्फर्ट इसको जानते हैं और ईश सोदी को जानते हैं। तो आज वो 50% जो प्लेयर है ना, 50% ज्यादा उनको हम नहीं जानते और ये पाकिस्तान में आके सीरीज खेल रहे हैं। सवाल मेरा वही है, क्या पाकिस्तान को ऐसी टीम के साथ फ्रेंचाइज ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए, ऐसी टीम के साथ मैचेस खेलने चाहिए? मेरा हमेशा से एक ही मानना है कि अगर आपने किसी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनकी सी टीम के साथ मुकाबले करने, इससे बेहतर है आप जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, आयरलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया इनके साथ सीरीज रखें। ये अपना 110% पुट करेंगे एफर्ट आपके साथ मुकाबला करने में और मजा भी आएगा। पता तो होगा ना कि उनकी भी मेन टीम खेल रही है, आपकी भी मेन टीम खेल रही है। ये तो नहीं ना होगा कि और बच्चे उन्होंने भेज दिए हुए हैं, आप ये भी डर जाएगा बच्चों से कहीं हारना चाहे, या जैसे कहते हैं ये भी डर जाएगा कि यार नहीं इनको कहते हैं ना उनको डर जाएगा वो हम पूरी तरह हार जाएंगे। एटलीस्ट मुकाबला तो फाइट का होगा ना। अब ये जो उन्होंने टीम भेज दी है, लाभ लोगों का इंटरेस्ट रहा है और वैसे भी सबको पता चल गया पाकिस्तान ने सीरीज जीत जानी है, तो ये बड़ा गलत चीज है। पाकिस्तान को चाहिए, पीसीबी को चाहिए आगे से जब भी आईपीएल हो ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करे बोर्ड के साथ, अगर आपने सीरीज ठीक है यार, उठा के गलियों से रख लेते ना, इसी कोच भी आएगा गलियों से उठा के लागे कोच हो गया कोचिंग कोर्स लेके आ गया, कौन से अच्छे प्लेयर अच्छे प्लेयर है बुरा प्लेयर है, अच्छा डोमेस्टिक सीजन है। मैं कोच की बात कर रहा हूं भाई, किधर जा रहे हो? तो आप कैसे प्लेयर्स की? मैं कोच की। अच्छा एक बात, ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे हमारे, क्या तस्वीर खींचना? और एक और बात तनवीर साहब, उस्मान है, साहिम वगैरह है, इनको पूरा चांस दें, जो मतलब रेगुलर खेल ही रहे हैं, जिन्होंने खेलना ही है उनको बिठा दें, कुछ दूसरे ऑप्शन ट्राई करके देख लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप साहिम और फाकर अगर अवेलेबल होता है उससे ओपनिंग करा के देख लें, उस्मान और साहिम से ओपनिंग करा के देख लें, ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बिकॉज दिस इज अ सीरीज दैट पाकिस्तान शुड विन एंड दे शुड बी अफ्रेड ऑफ, इवन इफ दे लूज नो प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी गुड सीरीज टू एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ द प्लेयर्स आर लाइनिंग अप फॉर द वर्ल्ड कप। जो स्क्वाड है उसमें मतलब प्लेयर्स बुरे नहीं यार, एक तो ये फिन एलन जिसने बड़ी मार मारी थी में हमारी, ये भी है, ब्रेसवेल इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, ये लास्ट ईयर से खेल नहीं पाया था बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन है बड़ा पक्का ही अच्छा ऑलराउंडर है। चैपमैन है, इसने भी बड़ी सूती लगाई हुई है पाकिस्तान की, जेकब डफी भी खेला हुआ है, बेन लिस्टर भी अच्छा बॉलर है, कॉल मैकॉन्ची भी आया हुआ है पाकिस्तान, एडम मिलने भी है, जिमी निशम है, इसको तो पता ही है पाकिस्तान का, विलो रूक है, ये अपना बेन सियर्स है, टिम साइफर्ट है, सोदी है, तो इट्स नॉट सच अ वीक स्पॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये वो सारे वो प्लेयर हैं जो खेले, बहुत सारे तो उसमें से खेले हुए हैं और चंद एक होंगे जो नहीं खेले शायद रीजन से, बट यू शुड बी दिस शुडंट बी कॉल्ड अ सी साइड एंड दिस साइड बिकॉज इट्स अ गुड इनफ साइड, तो लेट्स सी, बट पाकिस्तान शुडंट टेक दिस सीरीज एज के जी बस अब अपना फुल स्ट्रेंथ स्कॉर खिला के देखो और जीतने की कोशिश करो 5-0 और ये वो करके, वो हरकत नहीं होनी चाहिए। बाकी यार ये अपना बीसीसीआई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपेरेंटली इन टॉक्स, जो कैसे बोलते हैं ईसीबी वाला जो बंदा था या शायद जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बंदा है उसने कंफर्म किया व्हाइल टॉकिंग टू द मीडिया समवेयर इन इंडिया कि दे आर थिंकिंग अबाउट रिवाइविंग द चैंपियंस लीग क्रिकेट फॉर फ्रेंचाइज टीम्स इन द फ्यूचर, और ये भी कहा गया कि क्योंकि विंडो का मसला है तो मे बी शायद ये चैंपियंस लीग का जो रीलॉन्च होगा 10 साल बाद इट विल बी विद द वुमेन्स मतलब चैंपियंस लीग, क्योंकि वुमेन्स चैंपियंस लीग में आसानी से हो सकता है क्योंकि आपका ये जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है इंडिया में जो बिग बैश होता है जो 100 होता है डिफरेंट टाइम्स पे होता है, तो ये तीनों अलग अलग टाइम पे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ऑल द प्लेयर्स विल बी अवेलेबल, द चैंपियन टीम्स विल बी अवेलेबल टू प्ले इन वन विंडो, बट वेयर द मेंस T20 लीग इज नॉट कंसर्न, T20 क्रिकेट चैंपियंस लीग इज कंसर्न, इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस के जिस पर 10 साल पहले जब 2014 में लास्ट हुआ था चैंपियंस लीग इंडिया में जो आई थिंक चेन्नई जीता था, तो उस वक्त तो दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो है T20 सीरीज होगी अप्रैल के अंदर 18 अप्रैल से स्टार्ट होगी, और उसके लिए जो न्यूजीलैंड ने टीम अनाउंस की है उसके अंदर जो मेन खिलाड़ी है वो मौजूद नहीं है, जैसे कि आप कह सकते हैं रचिन रविंद्रा, बोल्ट और विलियमसन, तो ये बड़े जो खिलाड़ी हैं मेन खिलाड़ी है वो उसमें मौजूद नहीं होंगे। रीज़न साफ है, आईपीएल चल रहा है और पाकिस्तानियों को भाई आप सभी को तो पता ही है पाकिस्तान अपनी अलग चलाता है और पाकिस्तान ने अपनी अलग सीरीज स्टार्ट कर रखी है, सब कुछ अलग कर रखा है, ये सभी जो हैं दुनिया से अलग चलते हैं, और जो सारी दुनिया के खिलाड़ी अभी जो आईपीएल के अंदर बिजी हैं और पाकिस्तान अपनी अलग सीरीज चला रहा है, इस वजह से जो भाई न्यूजीलैंड अपनी जो टीम बनाई है उसके अंदर कोई भी मेन खिलाड़ी नहीं है, 8 से 9 खिलाड़ी उसके अंदर मौजूद नहीं है और वे सभी खिलाड़ी जो है आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं, इसी वजह से भाई पाकिस्तान के अंदर यही बात की चर्चा हो रही है कि न्यूजीलैंड जो है अपनी सी टीम भेज रहा है, डी टीम भेज रहा है। रीज़न साफ है, सभी आईपीएल के अंदर बिजी हैं, आईपीएल के अंदर अच्छा पैसा छाप रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जाके कोई भी अपना जो है टाइम और पैसा खराब करना नहीं चाहता।
इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी उन्होंने सी टीम भेज दी है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है, जो पूरी टीम खेलेगी, मेन खिलाड़ी है बाबर आजम को उनके जो अगेंस्ट है परफॉर्म करना पड़ेगा। और अब तो बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाया गया है, साइन अफरीदी को हटा दिया गया है। वही साइन अफरीदी भी बड़े नाराज़ हैं कि उनको कप्तानी से हटा दिया, बाबर को फिर से ले आए, और वजह वही थी कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी टीम की। और अब जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने भी जो है सीधी सीधी वार्निंग दे दी है, परफॉर्म करोगे तो रहोगे, नहीं तो आपको भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होने जाने वाला कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स चलती है पीसीबी के अंदर। तो देखते हैं पाकिस्तान कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है न्यूजीलैंड की सी टीम के अगेंस्ट। और उसके बाद तो भाई आप सभी को तो पता ही है, जून के अंदर T20 का वर्ल्ड कप है, वहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान क्या धमाल मचाएगा। अभी फिलहाल न्यूजीलैंड की सी टीम मौजूद होगी पाकिस्तान के अंदर T20 का जो वर्ल्ड सीरीज खेलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।